मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ताजमहल के बारे में जानने वाले हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य आगरा शहर में स्थित है यह ताजमहल। दोस्तों, अगर आप भी ताजमहल आना चाहते हैं और इस खूबसूरत मकबरे का दीदार करने की सोच रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। जैसे ताजमहल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, ताजमहल की टिकट कैसे मिलती है, ताजमहल के अंदर क्या क्या सामान आप ले जा सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ताजमहल तक पहुंचने के लिए ताजमहल के आसपास दो रेलवे स्टेशन हैं। पहला आगरा फोर्ट, यहां से ताजमहल की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है, और दूसरा रेलवे स्टेशन आगरा कैंट है, जहाँ से ताजमहल की दूरी 5 से 6 किलोमीटर है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा का आगरा एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी 9 से 10 किलोमीटर है। अगर आप बस द्वारा आगरा आना चाहते हैं, तो ताजमहल का नियरेस्ट ईदगाह बस स्टैंड है, यहां से ताजमहल की दूरी 5 से 6 किलोमीटर है। ऑटो के माध्यम से आप ताजमहल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से की। आगरा कैंट से आप ऑटो के माध्यम से मात्र 20 से 30 रुपए में ताजमहल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ताजमहल को दीदार करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग का होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑटो के माध्यम से हम पहुंच गए ताजमहल के पश्चिमी गेट पे। दोस्तों, ताजमहल के 3 गेट हैं। आप पश्चिमी गेट से एंट्री कर सकते हैं। यह ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह ग्रीन गार्डन, आगरा छावनी और आगरा शहर की ओर पड़ता है। इस गेट से ताजमहल की दूरी मात्र 500 मीटर और इसके सामने यह भव्य प्रतिमा बनाई गई है। पश्चिमी गेट से 500 मीटर अंदर जाने के बाद मुख्य द्वार आता है, जहां से आप एंट्री ले सकते हैं। आपको टिकट की आवश्यकता होती है। ताजमहल की 2 प्रकार की टिकट होती है। पहला 50 रुपए, इस टिकट से आप ताजमहल के अंदर एंट्री ले सकते हैं, और बट ताजमहल के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको 200 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। यह दोनों ही टिकट 3 घंटे के लिए वैलिड होती है। यहाँ पे सामान रखने के लिए काउंटर बने हुए हैं। ताजमहल के अंदर आप कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। ओनली आपको फोन, पैसे, कैमरा ले जाने की अनुमति होती है। सुरक्षा चेकिंग के बाद जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, हमें गेट के दोनों साइड गलियारे बने हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के समय यहां बाजार लगी करती थी, और कुछ लोगों का कहना है कि यह उन मजदूरों को लिए बनवाया गया था जो ताजमहल को बनाने का कार्य करते थे। थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमें ताजमहल का मेन गेट दिखाई देता है, जिसे शाही दरवाजा बोला जाता है, जो अपने आप में ही एक भव्य इमारत है। और इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें वह खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, जिसे विश्व भर के लोग देखने के लिए चले आते हैं। और हम भी दिल्ली से आगरा इस 7वें अजूबे को देखने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, आप इस गेट से ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल बड़ा दिखाई देता है, और जैसे जैसे आप ताजमहल की ओर कदम बढ़ाएंगे तो यह ताजमहल छोटा दिखाई देने लगता है। ताजमहल के बीच में बनी यह लंबी झील और दोनों साइड लगे पौधे ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। और इस इमारत का क्या कहना, जिस तरफ से देखो एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। इसके साथ जितने भी फोटो ली जाए उतनी ही कम लगती है। ताजमहल के दाएं साइड में बनी इस मस्जिद में हर शुक्रवार को अजान पढ़ी जाती है, जिसमें एक साथ 569 लोग अजान पढ़ सकते हैं। ताजमहल के सामने चबूतरे पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जिस पर आप बैठकर अपनी पिक ले सकते हैं। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था 200 रुपए की टिकट ताजमहल के अंदर प्रवेश करने के लिए आवश्यक है, और हमने अपने जेब से 10 रुपए और बर्बाद किए शूज कवर के लिए। दोस्तों, अगर आप ताजमहल के अंदर एंट्री लेते हैं तो शूज कवर लेना अनिवार्य होता है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। ताजमहल के चारों कोने पर 4 विशाल मीनारे स्थित हैं। यह प्रत्येक 40 मीटर ऊंची है। प्रत्येक मीनार 2-2 छज्जों द्वारा 3 समान भागों में डिवाइड की गई है। इस मीनार में एक खास बात यह है कि यह चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है।
जिससे कभी गिरने की स्थिति में यह मीनार बाहर की ओर गिर जाए एवं मुख्य इमारत को कोई क्षति ना हो। इस ताजमहल को घेरे हुए हैं विशाल 300 वर्ग मीटर का चार बाग, एक मुगल बाग। इस बाग में अनेकों रास्ते बने हुए हैं। इस चार बाग को निम्न 16 स्तर पर बनी क्यारियों में बांटा गया है। दोस्तों जानते हैं ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ। ताजमहल बनाने से पहले यहाँ पर एक भव्य महल हुआ करता था। जयपुर के महाराजा जय सिंह का आलिशान महल था। ताजमहल की नींव तैयार करने के लिए 500 बड़े बड़े कुएं खुदवाए गए, कंकड़ पत्थर को डालकर नींव तैयार की गई और इस ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 3 अरब 20 करोड़ रुपए उस समय के अनुसार खर्च हुआ। इसे बनाने में 1000 से अधिक हाथियों का प्रयोग किया गया, बड़े बड़े पत्थरों को लाने के लिए किया जाता था। ताजमहल को संपूर्ण भारत एवं एशिया से लाई गई सामग्री से निर्माण किया गया। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। अगर आप ताजमहल घूमने जा रहे हैं तो कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।